हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ तेज स्पेशल सत्तू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। इसे काफ़ी जगह पिंडा भी बोलते हैं। एक राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है जिसे विशेष तौर पे तीज पे ही बनाया जाता है और प्रसाद के रूप में फिर से खाया जाता है। ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है, पर खाने में ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ एक गिलास चावल का आटा लिया है। ये घर पर ही बनाया हुआ आटा है। अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं ये आटा, तो इसके लिए आपको पहले चावल को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। भिगोकर नहीं रखना है चावलों को। जब वो अच्छे से सूख जाए तो उनको अच्छे से भून लेना है और भुने हुए चावलों को फिर मिक्सी जार के अंदर डालकर अच्छे से पीसकर तैयार करना है। इस तरह से आपका चावल का आटा बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे मार्केट में भी यह आसानी से मिल जाता है। अब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे। इसके लिए हमने यहाँ जिस गिलास से मेजरिंग किया था, उस गिलास का हम आधा कप से थोड़ा कम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ध्यान रहे चीनी को पीसने के बाद में उसे एक बार ज़रूर छान लें ताकि अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो जाए। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो इसको बराबर मात्रा में भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसके अंदर हम घी डालेंगे। हमने यहाँ परफेक्ट घी का मेजरिंग नहीं बताया है, क्योंकि इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके हम घी ऐड करेंगे। पहले इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच देसी घी ऐड किया है। आप देसी घी की जगह डालडा घी में अगर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी को एक साथ नहीं डालना है, इस बात को ज़रूर नोट करें। थोड़ा थोड़ा डालते जाएँ और साथ में इसे इस तरह से मिक्स करते जाएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम फिर से एक बड़ा चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन और चावल के आटे के जो सत्तू बनाते हैं, उनकी बजाय चावल के आटे के सत्तू में थोड़ा सा घी ज़्यादा डाला जाता है, क्योंकि उन दोनों के मुकाबले चावल के आटे में बाइंडिंग की कैपेसिटी कम होती है। इसलिए इसके अंदर घी थोड़ा सा ज़्यादा डाला जाता है ताकि अच्छे से जल्दी से बंध जाए। अगर आप बेसन से बने हुए सत्तू की रेसिपी देखना चाहते हैं या फिर राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हम आपके साथ गेहूँ से बने हुए सत्तू की रेसिपी भी जल्दी ही शेयर करेंगे। आटे के अंदर घी का मात्रा परफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम आटे को इस तरह से लड्डू बांध कर चेक कर लेंगे। देखो, ये अच्छे से नहीं बंधा है, थोड़ा सा हाथ लगाते ही खुल गया है। इसका मतलब इसके अंदर घी की मात्रा भी थोड़ी कम है। हम इसके अंदर एक बड़ा चम्मच फिर से और घी ऐड करेंगे और एक बार फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखो, हम फिर से एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं। देखो, इस बार हमने फिर से अच्छे से प्रेस करके इसका लड्डू बनाया है, पर ये हल्का सा फिर भी थोड़ा सा हमें इसके अंदर घी कम लग रहा है। थोड़ा सा इसके अंदर घी और ऐड करेंगे और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर ध्यान रहे सत्तू में उतना ही घी डालना चाहिए जितना वो अच्छे से बंधा हुआ रह पाए और वो बिखरे नहीं। अगर आप इसके अंदर ज़्यादा घी डालोगे तो रखने के बाद में वो फैल जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। देखो, अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम फिर से एक बार इसे चेक कर लेते हैं। देखो, इस बार जब हम लड्डू बना रहे हैं आसानी से बंध रहा है, बिखरेगा भी नहीं, और जब हम इसको दबा रहे हैं तो ये इसके अंदर जो घी डाला था वो भी अच्छा सा हाथ में निकल रहा है। इसका मतलब इसके अंदर एकदम से घी परफेक्ट है। अब इस सभी आटे के हम सत्तू बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इसका हम दोनों हाथों से एक लड्डू बनाएंगे, फिर इसे अच्छे से हम शेप दे देंगे। इस आटे को और लड्डू को हाथ की हेल्प से जैसे जैसे हम थपथपाएंगे तो हाथों की गर्मी से इसके अंदर से जो घी है वो बाहर निकल जाएगा और अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। इन सत्तुओं को विशेष तौर पे चावल के आटे, बेसन के आटे और गेहूं के आटे से ही बनाया जाता है। वैसे इस सत्तू को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे सत्तू बोलते हैं, काफ़ी जगह इसे पिंडा भी बोला जाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ों का मेजरिंग डबल कर ले। देखो, हमने इसको अच्छे से शेप दे दिया है। इसका साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं और इसकी मोटाई भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। आप सत्तू को अपनी पसंद के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आप इसे थाली, प्लेट, जिसमें आपका मन करे उसमें आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से इसे इसी तरीके से बनाते हैं। अगर आप छोटे साइज में बनाना चाहते हैं तो आप इसे छोटे साइज में भी बना सकते हैं, या फिर आप अपनी पसंद के हिसाब से इसकी बर्फ़ी या लड्डू भी बना सकते हैं। हमने यह सभी सत्तू बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम थोड़ा सा येलो कलर के फूड कलर से इसको हल्का सा गार्निश कर देंगे और थोड़ा सा हमने इसके ऊपर पिस्ता और केसर और सिल्वर वर्क भी लगा दिया है, जिससे इसका लुक और ज़्यादा अच्छा लगता है।
आप इन सत्तू को लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, आप इसे सर्दियों में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ही राम राम सा, और आप सभी को मेरी तरफ से तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।